और विश्वास से जुड़े नारों और वादों से पूरी उम्मीद है बीजेपी को। पार्टी को भरोसा है कि यूपी में 2017 का रिकॉर्ड इस बार दोहराया जाएगा। पार्टी लखनऊ की लड़ाई को जीतकर इतिहास रचेगी। यूपी में सत्ता की सीढ़ी तैयार करने में जुटी है बीजेपी। अयोध्या प्राचीन काल से ही भारत के सनातन धर्म की पवित्र भूमि रही है। लोग बड़ी श्रद्धा के साथ यहाँ पर आकर के अपनी आस्था को व्यक्त करते रहे हैं और ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि अयोध्या में जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के सानिध्य और मार्गदर्शन में प्रारंभ हो चुका है। एक के पास हिंदुत्व का कार्ड है तो दूसरे के पास मुस्लिम तुष्टिकरण का दांव। एक एक सीट जीतने के लिए रणनीति तय करने वाले टेबल पर नेताओं की माथापच्ची खूब चली। जमकर समीकरण बैठाए गए। उधर मुस्लिम यादव समीकरण की खुलकर वकालत करने वाली समाजवादी पार्टी इन दिनों अपने सोच को विस्तार दे चुकी है। तभी तो ब्राह्मणों को लुभाने के लिए हाल के दिनों में पार्टी एड़ी चोटी का जोर भी लगाती रही है। नेता मंदिर मंदिर भी दौड़े। लेकिन गाय माँ का सम्मान होना चाहिए भैया, और वहीं गंगा मैया को भी साफ होना चाहिए। मान लीजिए यमुना नहीं साफ होंगी तो गंगा कैसे साफ हो जाएंगे भैया? चंबल साफ नहीं होगी तो कैसे साफ होगी? वैसे यूपी में मुस्लिम वोट बैंक काफी अहम है। धार्मिक जातीय समीकरण के हिसाब से राज्य में 3,85,00,000 मुस्लिम मतदाता हैं। 145 सीटों पर मुस्लिम फैक्टर काम करता है। 70 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर 20% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। पहले दौर में जिस पश्चिमी यूपी में लड़ाई हो रही है वहाँ भी कई सीटें मुस्लिम बहुल हैं। मुरादाबाद और संभल में करीब 47%, बिजनौर में 43%, सहारनपुर में 42%, मुजफ्फरनगर और शामली में करीब 41% और अमरोहा में 40% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं। ये बात बीजेपी भी जानती है कि पश्चिमी यूपी में जीत का पिछला रिकॉर्ड बरकरार रखने के लिए पिछला फॉर्मूला ही काम आएगा, मतलब हिंदुत्व का राग ही यूपी का राज दिलाएगा। एक दिन पहले इटावा पहुंचे नड्डा के घर घर प्रचार के दौरान कुछ मुस्लिमों ने दावा किया कि इस बार यूपी में फिर से योगी सरकार ही आएगी, भाजपा गवर्नमेंट बनाएगी हर कीमत पर। छोटा बच्चा नौजवान सभी भाजपा को वोट देगा, भाजपा के राज में हम लोग बड़ा सुकून में। समाजवादी पार्टी कह रही है कि इस बार तस्वीर बदलेगी, यूपी की तकदीर बदलेगी। अखिलेश के शब्दों में बीजेपी को हार सामने दिख रही है। और जो पहलवान हारने लगता है, जो पहलवान कुश्ती में हारने लगता है, वो हाथ पैर मारता है, कभी काटता है, कभी नोचता है और कभी कभी कुछ गला दबाता है। ये वो कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की जो इस प्रदेश की जनता नाकाम करेगी। यूपी की इस लड़ाई में ओवैसी की भी एंट्री हो गई है, जो करीब 100 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। ओवैसी की पार्टी ने मुस्लिम राग अलाप कर बिहार और बंगाल के चुनाव में किस्मत आजमाया। यूपी में भी ओवैसी वही फॉर्मूला अपनाते रहे हैं। अब वो खुद योगी अखिलेश पर निशाना साध रहे हैं। और ये या इस बात को यकीन कर लीजिए कि भारत के मुसलमानों को पाकिस्तान या मोहम्मद अली जिन्ना से कोई लेना देना नहीं है। हमारे बुजुर्गों ने जंग आज़ादी में हिस्सा लिया, सन 57 की जंग आज़ादी में जिहाद का फतवा दिया हमारे उलमाओं ने, काला पानी की सजाएं काटी, मुजाहिदीन आज़ादी के साथ लाठियां खाई, गोलियां खाई। हमने भारत को अपना वतन माना और मानते रहेंगे। इन सब के बीच बीजेपी ने अपना नया कैंपेन सॉन्ग जारी किया है ताकि यूपी की लड़ाई को और धार दिया जा सके। सड़क बनेगी, पुल भी बनेगा, होगा बम बम भोला। पश्चिम यूपी की जंग जीतने के लिए खुद प्रधानमंत्री मोदी भी 31 जनवरी को वर्चुअल रैली करने जा रहे हैं। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव और कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यौरा।